हिंदी रीडर की मैं रीडिंग कराने जा रही हूँ। देखिए सेकंड चैप्टर जो आपका दिया गया है चित्रकथा कर्तव्य पराड़ सेनापति, केवल ये पढ़ने के लिए आप स्वयं घर पे पढ़ेंगे, इसको चित्र देखकर समझेंगे। अब थर्ड चैप्टर दिया गया है दिए का अभिमान। अभिमान मीन्स होता है घमंड। ये कविता दी गई है, कवि के बारे में लिखा है। ये प्रस्तुत कविता हिंदी के महान कवि श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी द्वारा रचित है। इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को आगरा जिले के रोहता गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई थी, इसके बाद शिक्षा विभाग में ही विभिन्न शहरों में इन्होंने अपनी सेवाएं दीं। इनका लेखन कार्य विद्यार्थी जीवन में से ही आरंभ हो गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने अधिक साहित्य सृजन किया। 21 अगस्त 1998 को तबीयत बिगड़ने से इनका निधन हो गया था। निधन मीन्स होती है मृत्यु। कविता के बारे में, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। घमंड का जगत में हमेशा दुष्परिणाम होता है। अब ये कविता दी गई है, इसमें देखिए जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियारा, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियारा। इस घमंड से सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आँखों से वह देख रहा था सृष्टि। इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर ऊंचा हो गया बुझ गया रही धुएं की रेख। सोचा क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास, बुझा सके रवि शुष्क नक्षत्रों का कभी प्रकाश। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खिंच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम जो करना हो काम। अब आपके ये दूसरे पृष्ठ पर दिए गए आपके वर्ड मीनिंग, ये फेयर नोटबुक पर लिखना है, चैप्टर का नाम डालना है थर्ड चैप्टर दिए का अभिमान। ये अभिमान, अभिमान मीन्स होता घमंड, बड़ा, बड़ा मीन्स महान, महान मीन्स बड़ा, प्रकाश, प्रकाश मीन्स रोशनी, अंधकार, अंधकार मीन्स अंधेरा, नाश, नाश मीन्स समाप्ति, शशि मीन्स चंद्रमा, उजियारा, उजियारा मीन्स उजाला, व्योम, व्योम मीन्स आकाश, दृष्टि, दृष्टि मीन्स नज़र, अहंकार मीन्स घमंड, सृष्टि, सृष्टि मीन्स दुनिया या संसार, रेख मीन्स रेखा, सतत मीन्स लगातार, रवि मीन्स सूर्य, नक्षत्र मीन्स तारे, मस्तक मीन्स माथा, जगत मीन्स संसार, दुष्परिणाम मीन्स बुरा नतीजा। नीचे फिर इसके बाद आपके ग नंबर पे दिए गए हैं प्रश्नों के उत्तर, और ये आपकी कविता की पंक्तियां जो बुक में दी गई हैं वो कविता को देखकर पूरा खुद करेंगे, बुक में फिल करेंगे। और गा नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न आप बुक से लिखेंगे और इसके आंसर मैं लिखाऊंगी, उसको देखकर लिखेंगे आप। पहला क्वेश्चन है दिए को क्या अभिमान हो गया था, इसका आंसर है दिए को सूर्य चंद्र से भी अधिक महान होने का अभिमान हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है अभिमान के सिर अब आज अभिमान में सिर ऊंचा करके दिया किसे देख रहा था, अभिमान में सिर ऊंचा करके दिया संसार को देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए के मस्तक पर कौन कलंक की रेखा खींच गया, इसका आंसर है दिए के मस्तक पर हवा का झोंका कलंक की रेखा खींच गया। क्वेश्चन नंबर 4 है दिए का अभिमान कैसे भंग हुआ, इसका आंसर है हवा के झोंके से उसके बुझने पर दिए का अभिमान भंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है दिए का क्या परिणाम होता है, अभिमान का क्या परिणाम होता है, अभिमान का जगत में दुष्परिणाम होता है। आगे पृष्ठ पे देखिए बुक में,
ये दिया गया आपका दिए गए शब्दों के तुकबंद वाले शब्दों को सही मिलान करो, ये आपको मैचिंग बुक में ही करनी है। अभिमान का होगा महान, प्रकाश का होगा नाश, अंधेरा का उजियारा, दृष्टि का सृष्टि, एक का रेख, प्रयास का प्रकाश, ये आपको मैचिंग बुक में फिल करनी है। फिर कविता से ढूंढकर निम्न शब्दों को समान अर्थी लिखिए, जैसे रवि दिया गया, रवि मीन्स सूरज होता, चंद्र, चंद्र मीन्स शशि, अंधेरा मीन्स अंधकार, घमंड मीन्स अभिमान, आँख मीन्स नेत्र, दीपक मीन्स दिया। और उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण विच्छेद दिए गए, सबसे नंबर एक पर सृष्टि का वर्ण विच्छेद दिया गया है, इस तरीके से दूसरे नंबर पर अभिमान लिखा, तो आ प्लस भा प्लस छोटी प्लस माँ प्लस बड़ा प्लस ना, इस तरीके से आपको लिखना है। और सबसे नीचे दिए गए दो दियों के चित्र बनाकर एक दिए से दूसरे को जलता हुआ दिखाएं और उनके नीचे लिखे दीप से दीप जलाओ, और दो दिए बनाओ और जलते हुए दिखाइए, इसमें चित्र बनाओ।